हे गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों देखिए, आज बंदर आ गए और बंदर ने देखिए सीड्स तोड़ दिए, इधर ये पालक भी तोड़ दिया, और इधर दिखाती हूँ यहाँ पर जो प्लांट रखे हुए थे वो नीचे गिरा दिए गली में। ये देखिए, ये पड़े हुए हैं, ये मैं नीचे से अपनी गली से उठा के लाई हूँ। और इधर देखिए, मैंने स्वीट पोटैटो है और इसको मैंने पानी में रखा है, तो देखते हैं कब तक ग्रो होगी। आज ही रखा है मैंने ये। और इधर ये देखिए, कोलियस प्लांट को तोड़ दिया था मैंने, इसकी कटिंग लगा दी है। तो दोस्तों आज मैं कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बात करूंगी, क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गया है तो सभी को पता है कि ज़्यादातर प्लांट डोरमेंसी में चले जाएंगे, जो परमानेंट है वो प्लांट भी और जो समर वाले प्लांट हैं वो भी। दोस्तों तो आज इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते। तो सबसे पहला प्लांट मैं लेना चाहूँगी, ये देखिए, सोंग ऑफ इंडिया। ये ग्रीन वैरायटी है सोंग ऑफ इंडिया की दोस्तों, और ये अब डोरमेंसी में चले जाएंगे। और डोरमेंसी का मतलब ये होता है कि वो अब ग्रो नहीं करेंगे, जैसे हैं एज इट इज़ रहेंगे, सुप्त अवस्था जिसको बोलते हैं, तो ये वो होता है। ये ग्रीन वाला है, वेरीगेटेड वाला मैं दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है इसका वेरीगेटेड, कितना प्यारा, कितनी खूबसूरत इसकी सुंदर लीव्स हैं देखिए, और नीचे देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं खिले हुए फ्लावर्स ये। और तो दोस्तों ये अभी डोरमेंसी में चले जाएंगे, ग्रो नहीं करेगा। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों, ये देखिए, ये है चेन प्लांट, जिसको बास्केट प्लांट भी बोलते हैं, कलेसिया फ्रेग्रेंस भी बोलते हैं। और ये देखिए, इसका बेबी निकला हुआ है। अगर हम इसको यहाँ से कट करके और इसको मिट्टी में डाल देंगे, जहाँ से देखिए रूट्स भी आ रही हैं यहाँ से, तो ये बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाएगा इस टाइम पर। और देखिए ये रेड भी होने लगी हैं इसकी लीव्स, तो इस वजह से आप इसको अभी इसके बेबीज़ को कट करके आप नए पौधे रेडी कर सकते हैं। और जस्ट इसी के ही बगल में देखिए, ये है पर्सलेन प्लांट है, और ये भी अभी डोरमेंसी में चला जाएगा। इसका भी ग्रोइंग पीरियड अब ख़त्म हो चुका है, फरवरी और मार्च में इसका ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। और ये खूबसूरत सी वाइन है दोस्तों, टेंगल हर्ट की, और देखिए कितना भरा हुआ है ये, तो बहुत ही प्यारी सी इसकी बास्केट बन जाती है और बहुत ही लंबी लंबी हो जाती हैं, चार चार पाँच पाँच फिट की। तो दोस्तों इसकी भी आप अभी छोटी छोटी सी इतनी इतनी सी कटिंग लेकर आप अभी इसके नए नए पौधे रेडी कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी डोरमेंसी पीरियड अब स्टार्ट हो चुका है, तो ये भी अब डोरमेंसी पीरियड में चले जाएंगे। और इन्हीं दोनों के बगल में है देखिए दोस्तों, ये है वॉन्डरिंग ज्यू है ये, और रेड वाला है, देखिए कितनी खूबसूरत बास्केट लगती है इसका, बहुत ही प्यारे प्लांट है, पर ये भी इसकी भी सुप्त अवस्था अब आ गई है, देखिए किस तरह से ये सूखने लगे हैं। तो इनके भी आप छोटी छोटी सी कटिंग काट कर नए नए प्लांट बना सकते हैं और प्लांट को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ये देखिए, ये है डेविस बैकबोन है ये, और इसके देखिए जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है तो इसकी जो ये लीव्स है पिंकिश हो जाती है, पिंक कलर आ जाता है, और विंटर में ये सारी अपनी पत्तियां झड़ा देगा, नीचे गिरा देगा, लेकिन घबराइएगा नहीं, ये जैसे ही इसका सीज़न स्टार्ट होगा तो ये फिर से ग्रो होने लगेगा। ये इसकी ये वैरायटी है, इसकी और भी वैरायटी है मेरे पास, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसकी वेरीगेटेड वाली वैरायटी है, तो ये भी डोरमेंसी में चली जाएगी, और इधर ही इसके बगल में रखी हुई है ग्रीन वैरायटी, बहुत ही प्यारी लगती हैं दोस्तों। तो ये इनका अब डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, तो अब ये ग्रो नहीं करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, ये देखिए, ये है ड्रेसिना का प्लांट है, ये भी डोरमेंसी में जाएगा अब। और इधर देखिए दोस्तों, ये अजवाइन प्लांट है, देखिए अजवाइन प्लांट भी अब ग्रो नहीं करेगा। इसकी अगर आपके पास प्लांट है तो इसकी कटिंग बनाकर नए नए पौधे रेडी कर ले। ये देखिए मैंने जैसे कि रेडी कर रखे हैं। नेक्स्ट है जेड प्लांट, देखिए जेड प्लांट को भी आप अब कटिंग से लगा सकते हैं, इसकी भी ग्रोथ नहीं रुकी ग्रोथ नहीं होगी अब। और बहुत ही प्यारा प्लांट है, इंडोर रखने की गलती मत करिएगा, इसको पूरे दिन की धूप दीजिएगा, बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और इधर देखिए, ये मॉन्स्टेरा है, स्नेक प्लांट है, और पान की बेल है, मनी प्लांट, पोथोस है, स्विस चीज़, जितने भी ये सारे अंदर रखे हुए प्लांट है दोस्तों, तो इनका भी अब डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट हो चुका है, इनकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी। ये वाइट वेलवेट है, भले ही इसका सारी पत्तियां सब सूख जाए, लेकिन ये अंदर से देखिए ग्रो होता रहता है। अगर ये बिल्कुल पौधा ख़त्म भी हो जाए तो उसके बाद भी आप घबराइएगा मत, ये दोबारा ग्रो हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इधर मनी प्लांट लगे हुए हैं, तो इसमें भी इसकी भी ग्रोथ पूरी रुक जाएगी। नेक्स्ट है कोलियस प्लांट, कोलियस की कोई भी वैरायटी हो दोस्तों, इसकी भी ग्रोथ अब रुक जाएगी। अगर आपके पास प्लांट है तो इनकी कटिंग लगा कर आप सेव कर सकते हैं। इधर है दोस्तों, ये देखिए रियो प्लांट है ये, और वेरीगेटेड वाला है, तो इनकी भी ग्रोथ अब रुक जाएगी, बिल्कुल भी ये ग्रो नहीं करेंगे। और इधर है देखिए पोर्टुला का है, इनके भी इसमें भी फ्लावरिंग बंद हो चुकी है, ये डोरमेंसी में जा चुके हैं।
इधर देखिए दोस्तों, ये है देखिए पर्पल हार्ट है, इनकी भी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी, अब ग्रो नहीं करेंगे। अगर आपको कटिंग लगाना है तो अब आप लगा सकते हैं, नए नए पौधे रेडी कर ले। और इधर है बोट लिली, ये देखिए बोट लिली की भी ग्रोथ अब रुक जाएगी, अब बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेंगे। और इधर ये है रेन लिली, कोई भी कलर की रेन लिली हो इनमें अब फ्लावरिंग नहीं होगी, अब ये डोरमेंसी में जा चुके हैं। पानी कम दीजिएगा तो आपके ये प्लांट सेव रहेंगे, इनके बल्ब सेव रहेंगे। इधर है दोस्तों, ये देखिए सिंगोनियम प्लांट है, इनकी भी अब डोरमेंसी का टाइम स्टार्ट हो चुका है, अब ये ग्रो नहीं करेंगे, जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे। और इधर है वडेलिया प्लांट, इसकी भी ग्रोथ अब रुक जाएगी दोस्तों, अब ये ग्रो नहीं करेंगे, ये सूखने लगेंगी। देखिए इस तरीके से, देखिए ये सूख रही हैं पत्तियाँ, इस तरह से सूखने लगेंगी। और इधर है ये देखिए मैक्सिकन पिटूनिया है दोस्तों, इनकी भी ग्रोथ अब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। तो अब इनके जो सीड्स होते हैं या कटिंग होती है तो इनको आप इस तरह से प्रोपगेट कर सकते हैं दोस्तों। इधर है दोस्तों, ये देखिए मोगरा का प्लांट है, तो बंदरों ने तोड़ दिया है, लेकिन ये भी इनका भी डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट हो चुका है, अब इनमें फ्लावरिंग या ग्रोथ कोई भी नहीं होगी। और इधर है दोस्तों, ये देखिए टेंगल टर्टल वाइन है दोस्तों, ये देखिए किस तरह से ये सूखती जा रही है, जैसे ही इसका सीज़न स्टार्ट होगा अपने आप ग्रो हो जाएगी। अब इसको यहाँ से कट कर देंगे तो ये सारा जो अंदर का है ये सेव रहेगा, बाकी ये सारा निकल जाएगा। क्रोटोन भी अब डोरमेंसी में जा चुके हैं, क्रोटोन के भी सारी पत्तियाँ झड़ गई हैं, ये देखिए मेरा कितना बुशी प्लांट था लेकिन इसकी लीव सारी झड़ गई हैं, ये भी डोरमेंसी में जा चुके हैं दोस्तों। दोस्तों सफलेरा प्लांट की भी कोई भी वैरायटी हो, चाहे ड्वार्फ वैरायटी हो या ग्रीन वैरायटी हो, कोई भी वैरायटी हो, ये अब डोरमेंसी में चले जाएंगे, ग्रोथ स्टार्ट नहीं होगी। हालांकि बहुत स्पीड से नहीं होगी लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ तो होती ही रहती है दोस्तों प्लांट्स की, तो ये भी डोरमेंसी में ही चले जाएंगे। इधर है दोस्तों फाइकस को, देखिए फाइकस के भी लीव्स झड़ चुकी हैं, ये भी डोरमेंसी में जा चुके हैं, जैसे ही इनका टाइम आएगा अपने आप ये ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। इधर है एमेरस लिली दोस्तों, ये देखिए तो इसका भी डोरमेंसी का टाइम है दोस्तों, अब ये ग्रो नहीं करेगा, फ्लावरिंग भी इनमें अब नहीं होगी दोस्तों, जैसे ही इनका सीज़न होगा अपने आप ग्रो करने लगेंगे दोस्तों। देखिए थोड़े से प्लांट्स की हालत पतली होती जा रही है जैसे जैसे विंटर स्टार्ट हो रहा है, ये बास्केट तो खाली ही हो गई। तो दोस्तों बस यही है कि सर्दियों में प्लांट्स को थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। मिलती हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप गार्डनिंग।